दोस्तों, राष्ट्रीय बाल फिल्म मेला जो है वो आज दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में शुरू हो गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गॉर्जियस साक्षी तंगड़। साक्षी जी, ये जो बाल फिल्म मेला है, आज चिल्ड्रंस डे भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो पहल की है, शुरुआत की है, क्या कहना चाहिए? आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि खास करके बच्चों को ध्यान में रख के कंटेंट बनाया जाए, और कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे भी जो लोग बना रहे हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर उसे शोकेस कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन दिनों में जो निश्चित दिन है वहाँ पे आके उन फिल्मों का मज़ा ले सकें। बच्चों के लिए मेला है जैसे आपने देखा, उसे इंजॉय कर सकें। बहुत से वर्कशॉप्स हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलकर आइडियाज़ का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और राष्ट्रीय स्तर पे इसका होना बहुत मायने रखता है, और है पहली बार, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आजकल सोशल मीडिया का जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग सभी लोग यूज़ करते हैं, और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो है यूट्यूब चैनल है, लाइव ट्वीट करते हैं, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं आजकल बड़े बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो उसके बारे में जो ये एक वन टू वन डायरेक्ट मीडियम हो गया है, आई थिंक अगर इसका एक पॉजिटिव तरीके से इसको उपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छा एक मीडियम हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चों को कुछ कहना है, किसी तरह के आइडियाज़ देने हैं, तो वो डायरेक्टली इस चैनल पे जाके अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, और जो भी कंटेंट वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है उसे देख सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी साक्षी तन्वर जी, जिनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, और इस तरीके इनिशिएटिव बार बार लेने चाहिए गवर्नमेंट को। कैमरामैन अशोक के साथ दिल्ली से हरदेश यादव।